आलिया भट्ट ने अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की है और इस वक्त वो अपनी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है। ऐसे में हम आज आपको कुछ ऐसी ही सेलिब्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान भी अपना काम जारी रखा। तो सबसे पहले तो बात आलिया भट्ट की ही हो जाए, क्योंकि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी 14 अप्रैल इसी साल हुई है और आज ही आलिया ने घोषणा की है कि उनके घर जल्दी नया मेहमान आने वाला है। लेकिन उन्होंने अपनी फिल्म जो कि एक हॉलीवुड फिल्म है उसकी शूटिंग जारी रखी है। वैसे काजोल भी उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने अपने काम को प्रेगनेंसी के दौरान भी जारी रखा था। वीआर फैमिली के दौरान वह दोबारा मां बनने वाली थी। वहीं नेहा धूपिया ने फिल्म और थर्सडे की शूटिंग 4 महीने की प्रेगनेंसी में की है और उन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया है। वहीं आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान भी करीना कपूर खान दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी और वह खुद मानती हैं कि जय अली खान भी लाल सिंह चड्ढा का हिस्सा है। वैसे देवदास फिल्म की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम पे ये किसने हरा रंग डाला गाने की जब शूटिंग हुई थी उस दौरान माधुरी 3 महीने की गर्भवती थी, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा था। वही फारा खान को फिल्म ओम शांति ओम का निर्देशन करते हुए अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। वहीं झंकार बिट्स की शूटिंग के दौरान जूही चावला दोबारा मां बनने वाली थी। वहीं सोनाली बेंद्रे ने एक प्ले की शूटिंग जारी रखी थी जब वो प्रेग्नेंट थी। ऐसे उन्होंने इसके बारे में विस्तार से हमारे एक इंटरव्यू में बताया है। I was working till I was in my 8th month of pregnancy because I was doing a play which was called Aapki Sonia with Haruki. Yeah, I mean he's we've lost him, but yes, I never do that play again because you can't do it without him. Aapki Sonia was the play and we were traveling with it all over and so literally till 8 and a half months I was doing this play. At by the end of it, when I do I break down at the end of that play, by 8 months the baby in me was like, you know, every time that breakdown would happen the kicks were getting so strong. I was like, I think I need to stop now. Yeah. Because I can't handle these kicks anymore. So it would be like, oh, forgetting my line because, you know, I'm getting this kick from inside. So so I continued working till then. There was not really, oh, this is low, what am I going to do now? Yeah. Once the baby was born, I was very clear I needed to give my child the prayer. So वाकई मानना होगा कि इन सभी सेलेब्स को हैट्स ऑफ कहना चाहिए कि इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह अपना काम जारी रखा और कोई भी समझौता नहीं किया। हम आने वाले समय में आलिया भट्ट से भी यही उम्मीद करते हैं और उन्हें विशेष देते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन और एक स्ट्रॉन्ग मदर के रूप में सामने आएं।